लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 349 तक पहुंच गया है। वहीं मेरठ को रेड जोन इलाका घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कम्युनिटी संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने टोटल लॉकडाउन का फैसला किया है और जिले कंप्लीट लॉकडाउन का जायजा हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप सिंह ने लिया। मेरठ में आज टोटल लॉकडाउन है। प्रशासन ने यहां पर बढ़ते हुए मामलों को देखकर यह फैसला लिया है कि हफ्ते में दो दिन सोमवार और गुरुवार को टोटल लॉकडाउन रखेंगे। ऐसे में कोई भी आवश्यक सेवाओं की दुकानें नहीं खुलेंगी, केवल दवा और जो दूध है वही मुहैया होगा। इसके अलावा सड़कों पर मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग मूवमेंट करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर नहीं घूम सकेंगे। और मेरे पीछे ये जो पुलिस की पिकेट है ये लगातार लोगों की चेकिंग कर रही है, उनको रोक रही है, क्वेरी कर रही है, लेकिन लोग अभी भी मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आंकड़ा है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का वो 350 के करीब पहुँच चुका है और 21 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। आज के दिन सारी थोक और रिटेल की सब्जी मंडियां बंद हैं, कहीं कोई ठेल नजर नहीं आएगा। इसके अलावा राशन की दुकानें बंद हैं, जितने भी आवश्यक सेवाएं हैं सब बंद हैं। केवल चिकित्सा सुविधा ही एक ऐसी चीज़ है जो आज ओपन है और मेडिकल की दुकानें खुली हैं, दूध सुबह शाम मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें टोटल लॉकडाउन हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।